नमस्कार, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं जे जे न्यूज़। काठगोदाम रेलवे स्टेशन में आज डीआईजी नीलेश आनंद भरणी ने कुमाऊं टैक्सी यूनियन प्रीपेड बूथ का शुभारंभ किया। डीआईजी नीलेश आनंद ने कहा कि पर्यटक काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर नैनीताल, बागेश्वर, कौसानी आदि क्षेत्रों के लिए भ्रमण करने के लिए आते हैं। यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और उनसे अतिरिक्त किराया ना लिया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग और टैक्सी यूनियन के माध्यम से टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें मिनिमम किलोमीटर के हिसाब से यात्रियों से किराया लिया जाएगा। इससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। वहीं टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि हमारी टैक्सी यूनियन के द्वारा सभी टैक्सी ड्राइवरों को निर्देशित कर दिया गया है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रीपेड बूथ का शुभारंभ किया गया। इसके चलते यात्री यात्रा से पहले ही पर्ची कटवा कर किराया दे देंगे, जिससे टैक्सी चालक उनसे अतिरिक्त किराया नहीं वसूल पाएंगे। साथ ही उन्हें पर्यटन से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें ज्यादा तकलीफों का सामना न करना पड़े। यात्रियों का रेट है जो हमारी पर किलोमीटर है, जो हमारी छोटी गाड़ी है उनका 16 रुपये पर किलोमीटर है, और 6 लाख तक की, और 6 लाख से 12 लाख तक की जो हमारी गाड़ियाँ हैं उनका 20 रुपये किलोमीटर है। 12 लाख से 25 लाख तक की जो गाड़ियाँ हैं उसका 25 रुपये है, और उसके बाद हमारे पास किस्टा आती है, किस्टा का हमारा 30 रुपये है। इसका हमने मिनिमम 80 किलोमीटर का हम रेट रखते हैं। और जैसे किसी यात्री को नैनीताल जाना है तो हमने यहाँ प्रीपेड में अपना रेट लिखा हुआ है, जो 20 रुपये किलोमीटर है आने जाना, उसका 2000 रुपये होता है, वो 2000 रुपये हमने रखा हुआ है। जो काठगोदाम है ये कुमाऊं का द्वार है, सब रेलवे स्टेशन का आखिरी गंतव्य स्थान है। यहाँ तमाम जो है सीजन में बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, जब काठगोदाम में उतरते हैं और यहाँ से जो है कुमाऊं की यात्रा जो है विभिन्न स्थानों पर जो है कुमाऊं के लिए लोग टैक्सी से और अन्य इससे लोग जाते हैं। तो यहाँ से प्रीपेड बूथ के माध्यम से एक रसीद बुक छपवाई गई जो रेट लिट फिक्स हो गई है। तो अगर उसको कहीं भी जाना है, अल्मोड़ा, भवाली, जहाँ भी नैनीताल, तो उसके लिए एक रेट लिस्ट फिक्स होगी और जो है बाय नंबर रोटेशन से जो है वो टैक्सी वाले इनको ले जाएंगे। उसके अलावा भी जो है यात्रियों का यहाँ स्वागत, फूल देकर स्वागत किया जाएगा, उनके रजिस्टर रखे जाएंगे, आने जाने वालों के नंबर रखे जाएंगे, ताकि कोई गलत व्यक्ति आता है तो उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। उसके अलावा पर्यटकों को जानकारी दी जाएगी कि होटल कहाँ है, टैक्सी कहाँ है, कहाँ बुकिंग है, तो पर्यटक कुल मिला के इससे खुश होंगे। उनको एक्स्ट्रा सारी सुविधाएँ एक स्पॉट पर यहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम में प्रीपेड बूथ के माध्यम से सारी सुविधाएं मिलेंगी उनको। तो फिलहाल के लिए इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जे जे न्यूज़। धन्यवाद।